तो ये वाला जो रोड आता है कगवा चौक से जब आप अंदर आएंगे तो ये हुसैनीपुर हो जाता है, ये गांव हुसैनीपुर में पड़ता है। और इस तरफ जो है सो आपको ये बड़ा सा जो है सो फील्ड मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा जो है टेंट लगाया गया है, यहाँ पे जो पूरा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम जो है सो रखा गया है 8 मार्च को। और सामने जो है आपको मड़वा बनते दिखेगा। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश, हरिओम जी। अच्छा, तो अध्यक्ष तो आप ही हुए ना यहाँ के? हाँ, हाँ, जो पूरा करा रहे हैं। हाँ, हाँ, तो इस जगह पे कितना कन्या का विवाह होने वाला है? जैसे 31 का हम लोग प्लान किए थे, लेकिन संजोग से क्या हो गया ना, जो करते करते समाज में कुछ ऐसी व्यवस्था होती है जिसके चलते जो है सो कुछ लोग बाद में आकर के बोले कि जो नहीं हमारा करवा दीजिए, हम बहुत परेशानी में है, तो 35 हो गया। अच्छा, 35 हो गया। तो इसमें जो है सो आप लोग जब कराए थे तो रजिस्ट्रेशन के बारे में जैसा सुनने में आया था, तो रजिस्ट्रेशन किस तरह से हुआ था यहाँ? रजिस्ट्रेशन का जो है सो फॉर्म है और उसमें आधार कार्ड जमा करना पड़ता है और अपने पंचायत प्रतिनिधि, जितना भी कन्या का जो शादी होने वाला है तो वो सब कहाँ कहाँ के है? जैसे ताजपुर के हो गए, और कहाँ कहाँ? ताजपुर के है, डुमरी के है, मोहद्दी नगर के है, सरायरंजन के है, परोरिया के है, आपको पूरे जिला में हर जगह के लोग। अच्छा, तो यहाँ जो तैयारी होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ तैयारी, क्या क्या चीज़ रहेगा, क्या क्या अपने जो हिंदू रीति रिवाज में जिस हिसाब से ये मड़वा बन रहा है, जिस हिसाब से लोग समाज में करते आए हैं पुरानी परंपरा का, तो मड़वा टोटल ये 35 कन्या का, तो 35 हाँ, मड़वा हाँ, बनेगा यहाँ पे। तो ये पूरा जो है आप थोड़ा सा कैमरा को पीछे लेकर के जाइए और हम लोग जो है मड़वा बन रहा है, इधर भी रखा हुआ है पूरा। अच्छा, तो हाँ, इस ये पूरा में जो है सो आपको मरवा बनते हुए अभी तो बन ही रहा है, हाँ, कुछ मरवा इधर बन चुका है, टोटल 35 मरवा बनने वाला है। और उसमें क्या क्या चीज रहेगा मरवा में? जो अपना मरवा में रहेगा, मरवा में हाथी रहेगा, कलश रहेगा। अच्छा, जैसे कि छे का होता है, जैसे हिंदू धर्म में जो छे का होता है हम लोग में, तो वो तो जैसे इतना सारा एक साथ शादी हुआ है तो इसमें सब पहले जो है सो छे का हो चुका है सबका अपना घर घर पे जा करके, या फिर यहाँ उसी दिन उसका जो होता है छे का माने जो वो हो चुका है, और फिर आपका यहाँ पे जो तिलक उलक का जो व्यवस्था है उसमें बर्तन उर्तन होता है, फूल का बर्तन होता है, तो जो भी कपड़ा होता है वो सब पूरा विधि विधान के साथ हो रहा है। लड़की वाले के तरफ से जो होता है कि लड़की वाला और लड़का वाला का जो कपड़ा वगैरह जितना भी सामान जाता है सामग्री, वो सब किसके तरफ से किया गया है? वो सारा संस्था के तरफ से है। टोटल चीज मतलब ढोलना, हनुमानी लड़का के लिए, और जो जेवर जो चढ़ाया जाता है, टोटल लड़की को जेवर चढ़ाया जाता है, लड़का को जो सो वो अंगूठी चढ़ाया जाता है, और भी बहुत सारा चीज। हाँ, हाँ, वो सारा चीज मिलेगा? हाँ, या फिर नॉर्मल में ही होगा? वो सारा चीज मिल रहा है, चैन अंगूठी सारा चीज रहेगा? नहीं नहीं, वो एक हनुमानी है लड़का के लिए। अच्छा, और लड़की के लिए जो है सो एक आपको ढोलना है, और दूसरा जो है सो फिर आपको ये है पायल है। और सामान में क्या क्या चीज मिलेगा? जैसे सामान में है एक फूल सेट है दान के लिए, उसके बाद आपको बाल्टी सेट है क्लासिक का, उसके बाद कपड़ा जो है जितना होता है लड़का का कपड़ा गया है। हाँ, लड़का का कपड़ा तो सबका चला गया होगा। हाँ, अभी जा रहा है, बहुत सारा कपड़ा है अभी। तो कपड़ा में क्या होगा? हम लोग कपड़ा भी कपड़ा अब देखेंगे। शेरवानी है, लड़का का शेरवानी हो गया, जूता होगा। हाँ, उसके बाद आपका फुल पैंट शर्ट है, धोती कुर्ता है। अच्छा, लड़का वाला सब जो आ रहा है वो सब कहाँ से आएगा? ये वितरण हो रहा है। अच्छा, तो ये इस तरह से जो है सो लड़का का हो गया, लड़का का, ये लड़की का लहंगा है। अच्छा, और भी ब्याहती साड़ी वगैरह है, लंगनौती है, पैंट शर्ट है, और वो हल्दी का जो एक जाता है साड़ी, जी, जी, वो हो गया, उसको निकालेंगे जी। तो इसमें जो है सो ये हो गया आपका हल्दी का जो होता है, वो हो गया पैंट शर्ट है, और अच्छा धोती उती जो है सो रंगाने के लिए गया हुआ है सब। अच्छा, तो ये कपड़ा पैंट शर्ट का हो गया, उधर आपका जो है सो वो लहंगा हो गया, और उसमें जो अंदर का जो भी होता है जैसे कि जो भी कपड़ा वगैरह जो ब्लाउज हो गया, साया हो गया, वो सारा चीज जो है, ये देखिए सब है, वो सब यहीं से संस्था से ही सिलाएगा ना सब, ए टू जेड चीज, सबका नापी वगैरह हुआ होगा? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, ये घर पे दे रहे हैं वो लोग, वो सब पैसा जो है सो अपना मिल जाएगा उसको, जी जी जी। हाँ, खर्च है उसका मिल रहा है सुविधा। और व्यवस्था में क्या क्या रहेगा? खाने पीने को जो व्यवस्था बुलाया गया है जितना लोगों को, जितना क्रिएटर को, उसके लिए व्यवस्था क्या रहेगा जैसे खाने पीने में? वो सारे लोगों का खाने पीने का व्यवस्था उधर बनाया गया है, और रहने का जैसे इतना ज्यादा जो लोग आएंगे तो गाड़ी का पार्किंग जो होगा, पार्किंग वो सब भी आगे है वहाँ पे, 70 पार्किंग में कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, वहाँ पे 70 रूम बनाया जा रहा है। अच्छा, हाँ वहाँ पे, और वहाँ पे आगे जो है 70 रूम क्या हुआ, जैसे कि जो लड़का लड़की आएंगे उनको रूम अलर्ट होगा। अच्छा, नंबरिंग रहेगा, हाँ, जो तैयारी वगैरह जो होता है वो उसके लिए। और ये पूरा रास्ता हो गया आपको, रास्ता क्लियर रहेगा, और जिस दिन शादी होगा यानी 8 मार्च को जब शादी होगा तो ये पूरा रास्ता जो है सो वो पूरा सजा दिखेगा, यहाँ से वहाँ पूरा लाइटिंग होगा। अभी वो काम चल रहा है। अच्छा, उस पे तो अभी काम चल ही रहा है, और
लोकेशन हम प्रॉपर अगर लोकेशन की बात कर ले तो कैसे आना होगा यहाँ? लोकेशन आपका जो है वो कार्ड है, कार्ड पे है, स्कैन कीजिएगा कार्ड को तो पूरा गूगल मैप पे दिया हुआ है। अच्छा। हाँ, और वो आप फेसबुक पे जाइए चाहे जो भी इंस्टाग्राम है सब पे दिया हुआ है। यहाँ पे खाने का व्यवस्था है, इस तरफ आपको खाने का व्यवस्था हो जाएगा। अंदर में खाना जो है सो खाना बनेगा। अच्छा। अंदर में भी खाने का व्यवस्था है, उस तरफ जो दिखाई दे रहा है। अच्छा। उसमें खाना बनने वाला व्यवस्था है, इसमें खाने का व्यवस्था है। यहाँ पे जो लड़का लड़की लोग आएंगे उनके लिए रहने का प्रबंध किया गया है। अच्छा। समय रूम और जो दूर दूर से जो भी आते हैं जैसे क्रिएटर हो गए या कोई गेस्ट हो गए जिनको बुलाए हैं आप, जितने लोगों को, क्योंकि इतना भारी संख्या में जो है सो शादी हो रहा है तो काफी लोग भी आएंगे यहाँ पे, तो दूर दूर से अगर आते हैं तो उनके लिए भी रहने का व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। उनके लिए बहुत सारा होटल वगैरह भी लिया गया है। अच्छा। और यहाँ पे वो लड़का लड़की का रहने का व्यवस्था। वैसे लोग कब से आना शुरू कर देंगे यहाँ पे? लोग 7 तारीख से, 7 तारीख से शुरू कर देंगे। उस दिन जो है सो शिवरात्रि भी है। हाँ, शिवरात्रि के शुभ अवसर पे जो है सो कन्या विवाह। हाँ, बिहार में शिवरात्रि है, महिला दिवस है, और हम लोगों का जो हिंदू रीति रिवाज में लगन होता है जी, वो लगन भी है। सारा जो है सो पूरा एकदम तिथि से बनाया गया। अच्छा। तो उस दिन शिवरात्रि को लेकर के ऐसा है कि पहले जो है सो विवाह जैसे शुरू होगा कार्यक्रम, तो शिवरात्रि का भी कुछ है क्या उसमें, जैसे पूजा पाठ होगा? हाँ, पूजा पाठ, शिव पार्वती जी। हाँ, का हाँ, जो सब है पूजा पाठ है, आगे मंदिर है जहाँ से आप आगे जाइएगा यहाँ से। अभी नहीं, वो नहीं बता बोल रहे थे, जैसे मेरा कहने का मतलब ये था जैसे शिवरात्रि के दिन सबसे पहले जैसे वर वधु का जो शादी होगा उससे पहले जो है सो शिव पार्वती का शादी होगा, ऐसा कुछ रखा गया है क्या यहाँ पे? हाँ है, सारा फंक्शन अरेंज किया गया है यहाँ पे। जो ब्राह्मण देवता है वो जो है सो अपना सारा अरेंज किए हैं, उसके लिए अलग टीम है, उसमें उतना पंडित और वो सब प्रोसेस से होगा। और ऐसे भगवान शिव का पूजा यहाँ पे हम लोगों के यहाँ आगे एक मंदिर है, मंदिर पे भगवान शिव का पूजा 6 तारीख को। 6 तारीख को इस तरफ, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रहने का पूरा समय? अच्छा, इस तरफ रूम बन जाएगा। मैं डॉक्टर बलराम सिंह, मैं संस्था जो आदर्श सामूहिक विवाह कार्यक्रम है इसमें मैं लगभग 6-7 महीना से इस कार्यक्रम में लगा हुआ हूं, और मैं 31 जोड़ा शादी का प्रपोजल हम लोग तैयार किए थे, लेकिन 35 जोड़ा हम लोग के पास शादी का प्रपोजल आ गया है, जिसको मैं अच्छे से और अच्छे कार्यक्रम के तहत इसको सनातन धर्म के अनुकूल हर विधि व्यवस्था के अनुकूल इसको कार्यक्रम को संपन्न कराना हम लोग का मुख्य लक्ष्य है। हमारे साथी लोग सब हैं ये सब मिल के, और बहुत सारे आदमी हैं हमारे इस संस्था के संस्थापक श्री ओम प्रकाश कुशवाहा जी द्वारा ये सारा कार्यक्रम व्यवस्था की गई है, जिसमें हम लोग तन मन सारे व्यवस्था के तहत इस कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम बदसूरत जारी है, तैयारी मेरी चल रही है, और उस दिन ये जगह बहुत ही स्वर्ग जैसा महसूस होगा और जनकपुर धाम जैसा माहौल रहेगा। इस क्षेत्र के जो भी तमाम गरीब सुरवा लोग के हैं, जो आवश्यकता लायक है लोग, उनको हम लोग सहयोग कर रहे हैं, सही शादी में विवाह करा के सहयोग में लगे हुए हैं। जो ऐसे व्यक्ति को जो किसी भी बाप पिताजी को लगता है कि हमारा बेटी है और उसके पास व्यवस्था नहीं हो रहा शादी के लिए, हम क्या करेंगे, उसमें ये बहुत लापरवाह होगा लोगों के लिए, और इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। पूरे क्षेत्र के जो भी जनगणमान्य लोग हैं उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं, और मेरा एक और सोच है जे अकेले ओम प्रकाश कुशवाहा जी इतना बड़ा 35 जोड़ा कन्या को शादी करा रहे हैं, और तो हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई ये 35 जोड़ा करा रहे हैं, तो हम लोग भी अगर कुछ कुछ सहयोग करेंगे लोग को, उससे भी लोग को अपार खुशी होगा और सहयोग भी होगा लोग को। और विशेष रूप से 8 तारीख का कार्यक्रम है और ये भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, इस क्षेत्र में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, वो होने जा रहा है, और ये समाज से भी लोग ओम प्रकाश जी के सहयोग से वो होने जा रहा है कार्यक्रम। इस आदर्श सामूहिक विवाह के सदस्य हूँ मैं, काफ़ी परिश्रम किया हूँ, हर इलाके में जा जा के गरीब गुरबे से मिल कर के जिन बच्चियों को शादी की ज़रूरत है लड़कों के, उनके परिवार जाके मैं उनसे संपर्क किया हूँ, बात जाके समझाए हैं, भाई जाके आप अपने यहाँ देख सुन करके बाकी जितने खर्च होगा शादी का ओम प्रकाश कुशवाहा जी के द्वारा इस संगठन के द्वारा व्यवस्था किया जा रहा है, जो भी खर्च आएगी उसमें ओम प्रकाश जी के माध्यम से सारा चीज़ दिया जा जी के साथ साथ संगठन संगठन का जो हम लोग का कुशवाहा संगठन है उसके माध्यम से हम लोग आदर्श सामूहिक विवाह को सफल बनाने के लिए करीब 6 महीने से कड़ी मेहनत करके हम लोग सफल बनाने के कगार पर 8 मार्च 2024 को कार्यक्रम होनी है। जो सभी लोग मीडिया के बंधु हो, पुलिस प्रशासन के बंधु हो,
प्रशासनिक व्यवस्था हो, हमारे समाज जो गणमान्य लोग हैं, गरीब गुरबा जो लोग हैं, सब लोग को हम लोग इन्वाइट पहुंचा रहे हैं आकर के कार्यक्रम को सफल बनावे। समस्तीपुर जिला से हुसैनीपुर ग्राम है, प्रखंड मरवा है, और बिहार ही नहीं पूरे हम लोग चाह रहे देश तक इस चीज़ का मैसेज जाए, ताकि मिथिला के मिथिलांचल के धरती पर जैसा बहुत पहले बेर जो कार्यक्रम हम लोग को हो रहे, इसको सफल कैसे हो, हमारे ग्रामीण समाज सेवी जितने लोग हैं सब लोग मिलकर कुछ पल बनाने का प्रयास हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। 8 मार्च 2024 को शादी 35 जोड़ा का होगा। बहुत बढ़िया है, इधर में 31 मरवा की तैयारी कर रहे हैं और कल परसों में पूरा रेडी कर देंगे। कल परसों में रेडी हो जाएगा पूरा टोटल। हाँ, और उस तरफ क्या हो जाएगा? उस तरफ जो बराती आएगा हाँ। उसको स्टेज बन रहा है खाना खाने के लिए, जयमाला के लिए खाना के वहाँ। अच्छा, जयमाला का भी रहेगा व्यवस्था? डायरेक्ट ये नहीं कि बैठा दिए यहाँ? नहीं नहीं, जयमाला का व्यवस्था हो रहा है। अच्छा, उधर जयमाला का व्यवस्था होगा। जी सर। चलिए, और आगे ये इधर मरवा हो गया, इसमें पूरा जो मरवे का काम हो रहा है टोटल यहाँ से वहाँ पूरा मरवा हो जाएगा। अच्छा, और आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यहाँ के आदमी हैं सर। यहीं के? तो इसके थ्रू आप लोग को भी तो रोजगार मिला ना कुछ दिन का? जी सर मिला है। चलिए, आप लोग यही काम करते हैं? जी सर, सब तरह यही करते हैं, सब जगह यही काम सब जगह कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आप लोग का? पुनीत दास। अच्छा, आपका? धनकी दास। अच्छा, आप लोग भाई हो गए? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद सगीर है। अच्छा, लेबर विभाग का है, लेबर में यही। तो आप लोग क्या काम करते हैं? यही मरवा उरवा का ही काम करते हैं? जहाँ पर जग उग होता है, शादी ब्याह, घर द्वार का सब काम करते हैं। तो ठीक है, इस तरफ टोटल में आपको जो है सो मरवा बनते हुए दिखेगा। 8 मार्च को टोटल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन शादी होगा सामूहिक विवाह।